तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। मारिए जिस तरह आप नजर आ रही है हस्ती खेलती है, आप लोगों को इसी तरह ही नजर आ रही है। तो गाइस आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली, एकदम मजेदार किस्म का वीडियो लेके हम लोग आपके सामने आने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय तरकार रिएक्शन। दिस इज उसामा मारिया, दिस इज उमर। भाई आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली, बिल्कुल स्किप नहीं करना। जैसे कि आपको पता है इंडिया की वीडियो लेके हम लोग आप लोगों के सामने आते हैं और मजे मजे के कॉन्टेंट लेके आते हैं। यार आप लोग उसको पूरा देखा करो, एंजॉय किया करो, मजा आया करो यार आप लोगों को वीडियो देखने का। तो मेरे भी से पहले वीडियो को देख लेते हैं। उमर भी बताएं यार आज क्या देखने के लिए जा रहे हैं, मजा आ जाए यार आज। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है मारिया, आपको आज हम दिखाएंगे कि बिगेस्ट मिस्टेक हो गई है, वही विजिट पाकिस्तान। तो देखते हैं कि इंडियन कोई है, शायद उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया है और उनसे क्या मिस्टेक हो गई है ऐसी यार पाकिस्तान आके। तो देखते हैं, वीडियो बड़ा मजे का है। तो इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो मजा आने वाला। तो इस वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो। हेलो गाइस, मैं हूं अमित। दोस्तों जब हमने वर्ल्ड टूर किया तो बहुत सारे कमेंट आए उस देश में जाने के लिए जो कि हमारे बहुत करीब है, लेकिन हम में से बहुत बाई चांस ही कोई वहां पर जा पाता होगा। गाइस देश का नाम है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, और पाकिस्तान हम में से कोई नहीं गया। गाइस अगर कोई गया तो नीचे कमेंट में बताना, बाकी मुझे लगता नहीं कोई गया होगा। लेकिन आज हम लोग गाइस आपको पाकिस्तान लेकर के जाने वाले हैं। गाइस हम लोग बहुत पास हैं बॉर्डर के, और गाइस फिलहाल हम लोग खड़े हैं लोंगेवाला के पास में। यहाँ पर एक माइलस्टोन लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है लोंगेवाला यहाँ से 35 किलोमीटर है, तो जो बॉर्डर है वो लोंगेवाला के एकदम पास में ही है। तो गाइस आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के पाकिस्तान कैसा दिखता है। और यहाँ पे गाड़ी की स्पीड देखना भाई, ये गई गाड़ी भाई, इतने तगड़े रोड है यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जिसकी कोई राजस्थान दुबई खेल है। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान लेके जाएंगे, देखते हैं गाइस हम जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, वहाँ क्या मुश्किलें हमको मिलती है। फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो के लिए, लाइक का बटन जरूर से दबा देना और नीचे कॉमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। अरे भाई 2024 IPL शुरू हो गया, इस बार इतने एक्साइटिंग मैच आ रहे हैं भाई, मैं तो एक भी मैच मिस नहीं कर रहा। 7 बजते हुए सारे मैच देखता हूँ, लेकिन आज इस रेगिस्तान में मैं मैच कैसे देखूंगा। और इस बार मेरी फेवरेट RCB कब उठाएगी, आप क्या सोचते हो? बोलो CSK फैन, कैप्टनसी चेंज होते ही आपके सपने भी चेंज हो गए क्या? बताओ कौन जीतेगा? अरे मैं अपने एक्सपर्ट ओपिनियन ऐसे फ्री फोकट में नहीं देता, मैं अपना ओपिनियन सिर्फ MPL ओपिनियों पर देता हूँ। MPL ओपिनियो? अरे भाई MPL ओपिनियो क्या है? अरे MPL ओपिनियन भारत का सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग गेम है, जहां पर IPL क्रिकेट और उसके रिजल्ट से रिलेटेड सवालों के सिंपली यस या नो में जवाब देना है और डेली करोड़ जीत सकते हो। भाई ये तो मुझे भी सिखाओ, मुझे भी बड़ा जीतना है। अरे तो देखो ना भाई, ये देखो जैसे वुमेन्स IPL के इस मैच में मुझे लगा कि RCB जीतेगी, तो क्वेश्चन ये था विल बैंगलोर विन द मैच, मैंने यस पे सेलेक्ट किया, अपने बजट के हिसाब से मैंने ये क्वांटिटी चुन ली, सबमिट कर दिया और RCB जीत गई और उसके साथ मेरी भी बड़ी जीत हुई। वाह भाई ये तो बड़ा आसान है। और क्या? और गाइस आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, इसकी तरह डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से MPL ओपिनियन डाउनलोड करो, अपने क्रिकेट के एक्सपर्ट ओपिनियन वहां दो और डेली बड़ा जीतो। अब मुफ्त में नहीं बताएंगे अपने ओपिनियंस, बताएंगे तो सिर्फ और सिर्फ MPL ओपिनियन पर बताएंगे। डाउनलोड करो MPL ओपिनियन डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए लिंक से और बोनस भी पाओ। और गाइस अभी जो गाड़ी बहुत ज्यादा रफ्तार से गई थी जब हम लोग ये शूट कर रहे थे, अब वो गाड़ी वापस आ रही है घूम फिर के। मुझे लगता है इसमें हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ जी क्रेजी एक्स, हेलो, यहाँ से अच्छा कितना एक्साइटेड है। थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सभी को हैप्पी होली। हैप्पी होली, चलो आनंद चाहिए करू पैंग का ना पूरा क्रेजी फैंस का। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां पे युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। और सबसे पहली चीज जो हमें मिली है वो है गाइस ये,
ये है एक ट्रक, एक बड़े साइज की जीप, या हमें समझ में नहीं आ रहा है व्हीकल है पुराना, क्या काम आता है ये तो नहीं पता लग रहा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो पाकिस्तान का बहुत पुराना एक झंडा जो है उसका निशान एक दिख रहा है, और इससे पता लगता है ये जो गाड़ी है ये पाकिस्तान की है, यहाँ पे छोड़ी हुई है। और आप लोग देख सकते हो इसका जो स्टीयरिंग व्हील वगैरह है भाई, ये सारा कुछ जो है सब कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ उलट चुका है। कहाँ पे फंसी हुई है देखो, ये जो गाड़ी है या पत्थरों में फंसी हुई है, टायर फूटे हुए हैं। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि भारत के 120 सैनिक लोंगेवाला में यहाँ पर तैनात थे, और पाकिस्तान की तरफ से हमला किया था 3000 फौजियों ने, और 120 सैनिकों ने 3000 लोगों से लड़ाई करी थी और युद्ध जीता था। भारत की तरफ से जो है सिर्फ 2 जवान शहीद हुए थे उस पूरे युद्ध में, और रात भर उनको रोक के रखा था इसी जगह पे, और इसीलिए यहाँ आते जो गाइस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान के 500 से ज्यादा व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था गाइस। यहाँ पर जो है एक टैंक पड़ा हुआ है पाकिस्तान का, बहुत पुराना, एकदम खटारा सी हालत में। ये मतलब ये टैंक था गाइस, इसको जो है उड़ा दिया गया। ये जो है दोस्तों लोंगेवाला युद्ध को लीड किया था इंडिया की तरफ से मेजर जनरल चांदपुरी ने, KS चांदपुरी जी ने। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो 3 एंटी टैंक माइंस थी अपने पास में, उन 3 एंटी टैंक माइंस को आगे बिछा दिया गया। पाकिस्तान के टैंक आए, पहला आया पहला उड़ गया, दूसरा आया दूसरा उड़ गया, तीसरा आया तीसरा उड़ गया। अब भाई पाकिस्तान को डर हो गया कि यहाँ पर बहुत सारी माइंस बिछी हुई है, लगता है हिंदुस्तानियों ने एंटी टैंक माइंस बिछा रखी है। तो कुल मिला के उन्होंने एक बार हमला रोका, और अपने वालों ने क्या किया, अब 3 माइंस जो थी वो तो खत्म हो गई, तो जो खाने के टिफिन होता है ना भाई वो मिट्टी में दबा दिए जगह जगह। अब रात को दिखता तो है नहीं कि ये माइन है या टिफिन है, और पूरे पाकिस्तान की सेना ने पूरी रात निकाल दी वो उन टिफिन को खोदते रहे खोदते रहे खोदते रहे। उसके बाद में गाइस जब दिन हुआ तो जो है खतरनाक युद्ध हुआ, और पाकिस्तान की गाड़ियां टैंक जो सामने आया सब कुछ उड़ गया, भारत की तरफ से जो है युद्ध में जीत हुई। दोस्तों ये जो टैंक है इसमें बहुत हैवी लोहा होता है, आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा गोल गोल वहाँ पे गिरारी सी है, ये भी काफी मोटा जो है लोहा है यहाँ पे। ओए दूसरे और कहाँ पे पड़े हैं भाई, जगह जगह पे पड़ी हुई है चीजें यार, रेगिस्तान के बीच में। और यहाँ से इस वाली साइड में लगभग 10 किलोमीटर आगे जो है इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, जहां से पाकिस्तानी फौजी जो है हिंदुस्तान की सीमा में घुसे थे। अब इस टैंक को छोड़ के चलते हैं उस वाली डायरेक्शन में। यहाँ ये क्या बना हुआ है भाई, भाई ये बंकर बना हुआ है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा पुराना है। पेंट इसके ऊपर जो है आर्मी कलर्स में नया वाला किया हुआ मेरे हिसाब से। ये तो है वो टैंक जो कि युद्ध में टूट फूट गए, जिनके ऊपर गोले बारूद गिरे और वो डिस्ट्रॉय हो गए। अब आपको वो टैंक्स दिखाते हैं जो कि जब्त किए थे, मतलब जिंदा पकड़ लिए थे, मतलब सही टैंक्स पकड़ लिए थे। दोस्तों मेरे पीछे यहाँ पर ये जो टैंक खड़ा हुआ है ये है पाकिस्तान का टैंक। दोस्तों ये नीचे साफ साफ लिखा हुआ कि डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान T-59 टैंक, और ये टैंक जो है बिलोंग करता है पाकिस्तान की आर्मी को, जो 37 टैंक्स थे। यहाँ पे लिखा है 37 टैंक्स डिस्ट्रॉय जो हुए थे इस लोंगेवाला के युद्ध में, जो कि 4 और 5 दिसंबर को हुआ था, ये उनमें से एक है। और ऐसे 37 टैंक जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे इंडियन आर्मी ने। यहाँ पर जो है हमारे शहीदों की मूर्तियां लगी हुई हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं वो भी लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और टैंक खड़ा हुआ है पाकिस्तान का, जिसकी कहानी लिखी हुई है, ये है M4 शेरमान टैंक, जो कि भाई कैप्चर किया गया था। M4 शेरमान टैंक डिस्प्लेड इज ए कैप्चर्ड टैंक विच वॉज यूज बाई पाकिस्तान आर्मी इन द बैटल ऑफ लोंगेवाला। इसका जो मॉडल या इसका जो नाम है, इसका जो कोड है, वो भी लिखा हुआ है T-22-4292 करके। अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर से आ रहा होगा कि ये तो पाकिस्तान के टैंक्स आप कभी से दिखा रहे हो, इंडिया वालों के टैंक्स कहाँ हैं? तो भाई इधर आओ, इंडिया वालों के टैंक्स दिखाते हैं। गाइस इंडिया के पास में उस टाइम पर टैंक्स ना हो करके ये वाली जीप थी इस जगह पे, क्योंकि टैंक्स बहुत भारी होते हैं, आने में टाइम लगता, लेकिन ये जीप थी हमारे पास में जिसके ऊपर ये सिंपल सी बंदूक लगी है। और इन जीपों से मुकाबला किया था हमने पाकिस्तान के टैंक्स का, और बहुत सारे टैंक्स उड़ा डाले थे। उसके बाद में पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि इंडिया ने इन जीप का यूज करके भाई बड़े बड़े टैंकों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। आप लोग देख सकते हो भाई नॉर्मल जीप है ये जो है RCL जीप है, RCL जीप का यूज किया जाता था, फिर भी उनको टिकने नहीं दिया। दोस्तों पाकिस्तान के टैंक्स आपने बहुत देख लिए, अब आपको दिखाते हैं इंडिया का टैंक। गाइस ये है अपने इंडिया का अपना खुद का टैंक, और आप लोग देख सकते हो कि भाई टैंक कितना बड़ा होता है, कितना विशाल काय होता है। इसका साइज अगर आप कंपेयर करोगे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ भाई, इसकी जो तोप का ये गोला है ना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये इतना मोटा है। इसके टायर भाई पूरा लोहे के, इतना हैवी हैवी टायर। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान का एक और टैंक खड़ा हुआ है,
ये देखो भाई कितने बड़े साइज का जो टैंक है वो मेरे पीछे यहाँ पर खड़ा हुआ है। और एक चीज अगर अभी तक आपने नोटिस नहीं करी तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले में क्लियरली दिख रहा है ये है गाइस पाकिस्तान का झंडा। लेकिन ये नॉर्मल नहीं दिख रहा है गाइस, ये नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि झंडे को हम उल्टा करके लगाते हैं जिन चीजों को हम पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाइस पाकिस्तान को हमने हराया था तो जो झंडा सीधा है उसको उल्टा करके लगा दिया जाता है। अपनी एक जीप जो है यहाँ पे भी खड़ी हुई है दोस्तों, अगर इस टैंक के ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पर जो झंडा है वो उल्टा करके लगाया हुआ है। देखो भाई दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं म्यूजियम में और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी वो चीजें, वो हथियार जो कि युद्ध में यूज हुए थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई गोलियां रखी हुई हैं बहुत सारी। ये है गाइस एंटी टैंक राउंड्स बहुत बड़े बड़े साइज के। अगर इस वाली साइड में आए तो यहाँ पे दूरबीन मिलेंगी, गोलियां मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलेंगे यहाँ पर आपको जो कि शायद कम्युनिकेशन के यूज आते थे। भाई यहाँ पर लोंगेवाला के युद्ध का पूरा एक जो मैप है वो तैयार किया हुआ है मेरे हिसाब से। ये जो है इंडियन आर्मी है यहाँ पे बीच में मेजर के एस चांदपुरी जी का नाम लिखा हुआ है। इधर से पाकिस्तान ने हमला किया था और जो युद्ध है वो यहाँ पर हुआ था। बीच में एंटी टैंक माइंस भी छाई गई थी और उसके बाद में टिफिन भी बिछाए गए थे ऊपर आप देख सकते हो। यहाँ पर बाद में जब सुबह हुई तो इंडिया के जो हंटर जहाज थे इंडिया के, तो जो हंटर प्लेन्स थे वो आ गए थे। जैसे ही हंटर प्लेन्स आए थे उसके बाद में जो युद्ध था वो पूरा बदल गया था। दोस्तों ये है इंडियन आर्मी का एक और टैंक और पाकिस्तान के टैंक्स को जिन प्लेन से, जिन एयरक्राफ्ट से उड़ाया गया था वो जो जहाज हैं वो है यहाँ पे। दोस्तों ये है वही हंटर प्लेन, हंटर जहाज। दोस्तों ये जो हंटर जहाज है ये कोई बहुत एडवांस प्लेन्स नहीं थे उस टाइम के, लेकिन जब सुबह हुई तो इन्हीं हंटर जहाजों ने पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की फौज के टैंक्स को उड़ा दिया। 37 टैंक जो है वो उड़ा दिए गए थे, सारे के सारे जो व्हीकल थे सब कुछ उड़ा दिए। और इंडिया की जो विक्ट्री थी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा इन हंटर जहाजों का। दोस्तों मेरे पीछे ये जो प्लेन खड़ा है ये कोई फाइटर जेट नहीं है, आप देख सकते हो कि सामने प्रोपेलर से चलने वाला प्लेन है, लेकिन इस प्लेन ने भी इस युद्ध में साथ दिया था। ये निहत्ते घूम रहे थे हवा में और वहाँ पर ये क्या कर रहे थे कि बता रहे थे कि हाँ एक टैंक वहाँ पे वो है, यहाँ पे ये है, यहाँ मारो, वहाँ मारो, वहाँ मारो, इनका काम सिर्फ बताने का था। और इसीलिए इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस युद्ध में निभाई थी। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पता नहीं क्या मिला गाइस, ये जो व्हीकल है ये इंडियन नहीं है, फिर से ये है पाकिस्तान का व्हीकल, लिखा हुआ है पाकिस्तान डैमेज। दोस्तों इस व्हीकल का जो केबिन है वो यहाँ पर रखा हुआ है, बाकी पता नहीं कहाँ उड़ गया। यहाँ पर जो है एक जीप का हिस्सा है मेरे हिसाब से, ये भी पूरा गला हुआ है, ये भी वॉर में जो है डैमेज है। और ये सारे के सारे जो वाहन है ये पाकिस्तान के, ये एक और केबिन है यहाँ पर और ये एक ट्रॉली है किसी बड़े व्हीकल की। और यार ये तो जो है सर को बचाने के लिए कोई चीज है हेलमेट टाइप का, लेकिन आप देखो ये फटा हुआ है, अब पता नहीं है किसी व्हीकल से फटा है, गोले बारूद से फटा है। तो भाई ये लोहा जो है पाकिस्तान से आया हुआ है और किसी के सर पे जो है कभी लगता होगा। और यहाँ पर एक चीज और मिली है गाइस, ये जो है ये मोर्टार का हिस्सा है, गोला आता है ना ये उसका हिस्सा है। भाई ये असली के गोले का या युद्ध वाली चीज का पार्ट है जिसको मैंने अपने हाथ में ले रखा है। म्यूजियम में चीजों को टच नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है म्यूजियम से बाहर रखे हुए हैं मिट्टी में। दोस्तों एक चीज और दिखाऊं आपको, इनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो गाइस ये देखो, ये छेद है, ये छेद है, ये होल है, गोल गोल छेद है गाइस। ये सारे होल पता है किस चीज के हैं, ये हैं गोलियों के निशान, गोलियां और पारिस लोहे में घुस गई थी। ये यहाँ तो पूरा ही डैमेज है भाई, ऐसे अगर ये टैंक ऐसे ही खड़ा रहता ये जो भी था तो यहाँ से थोड़ी डैमेज होता, कोई गोला यहाँ से आया है और इसको फोड़ दिया भाई पूरा। ये देखो गोलियों के निशान। दोस्तों लोंगे वाला की चीजें तो आपने बहुत देख ली, बहुत लड़ाइयों वाली चीजें देख ली, टैंक देख लिए, तोप देख लिए, गोले देख लिए, गोली देख ली, हथियार देख लिए। अब आपको लेके चलते हैं पाकिस्तान में गाइस, पाकिस्तान नहीं देखा, अब आपको पाकिस्तान दिखाते हैं, आ जाओ। जो लोंगे वाला 35 किलोमीटर था या 39 किलोमीटर था, यहाँ आके हो गया गाइस लोंगे वाला जीरो। और अगर आप थोड़ा पीछे आएंगे
तो यहाँ पर इस पत्थर के ऊपर गाइस इंडिकेशन बना हुआ है, और जो लाहौर है वो है इधर पे 809 किलोमीटर, कराची है 696 किलोमीटर, इस्लामाबाद जो है वो है 1096 किलोमीटर इस रोड पे। आ जाओ रे पाकिस्तान जा रहे भाई, तो ये रोड पाकिस्तान जा रहे। अच्छा जा सकते हो, दोस्तों पाकिस्तान तो हम लोग नहीं पहुंच पाए, हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए, लेकिन हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर, जो कि है तनोट माता का मंदिर। तनोट माता जो है वो BSF की आराध्य है, और ऐसा बताया जाता है कि जब लड़ाई हुई थी 1971 की, तब तनोट माता मंदिर में या फिर इस एरिया में 3000 बम गिरे थे, और एक भी बम फटा नहीं था। करते हैं माता के दर्शन, और उसके बाद में पाकिस्तान में पता नहीं कल जाएंगे या कब जाएंगे, अभी तो बहुत लेट हो गए हम। भाई यहाँ पर है श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर, दोस्तों हम लोग मंदिर के अंदर हैं, और यहाँ पर ये वो बम है जो कि गिरे थे, और ऐसे यहाँ पर भी हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी गाइस लिखा हुआ है माता के चमत्कार द्वारा ना फटने वाले पाकिस्तानी बम, इस वाले सेक्शन में भी है ये देखो भाई। और गाइस ये असली बम रखे हैं जो कि मंदिर परिसर में गिर के फटे नहीं। The next day. Hello guys, आज है अगला दिन, और आज हम लोग अब जा रहे हैं guys पाकिस्तान के पास। दोस्तों हमने border passes ले लिए हैं, और ये जो रास्ता है ये जाता है border की तरफ। यहाँ से जो border है वो है 20 किलोमीटर दूर, और guys गाड़ी की AC चल रही है, फिर भी आप लोग हमारी हालत देख सकते हो भाई। तो भाई आज पाकिस्तान के border को टच करने वाले हैं, छूने वाले हैं, पाकिस्तान की धरती को टच करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग border पे पहुँच गए हैं, सामने लिखा हुआ है वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। अच्छा ये बसें हमारे कैसे जाती हैं? दोस्तों फाइनली हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं और आ चुके हैं बॉर्डर में। यहाँ पर गेट है बहुत बड़ा जिसपे लिखा है वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर, और उस तरफ में गाइस थोड़ा सा आगे, जस्ट थोड़ा सा आगे जो है इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, तो अब आपको वो दिखाते हैं। चलो दोस्तों यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ के ऊपर चढ़ के हम लोग देख सकते हैं बॉर्डर को। यहाँ से हालांकि फेंसिंग दिख रही है, जो तारबंदी वो दिख रही है, लेकिन अच्छे से नहीं दिख रही। ऊपर चलते हैं, दोस्तों हम लोग वॉच टावर के ऊपर आ गए हैं, बहुत ऊपर देखो जमीन से, और वहां पर दोस्तों सामने है बॉर्डर। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं अपने फोन से। यहां पर अगर आप देखेंगे तो गाइस ये जो तारबंदी है, ये वाली जो फेंसिंग है ना, ये बॉर्डर है जो एकदम सेंटर में आपको दिख रही है। इस तारबंदी के इस साइड में हिंदुस्तान है, और दूसरी साइड में जो है पाकिस्तान है। तो गाइस अपने इंडिया की जो सीमा है, अपने भारत की जो सीमा है, वो यहाँ तक आती है, और ये जो पूरी पूरी बाउंड्री है ये इंडिया के जगह पे है। अगर मैं आपको एक्चुअल बॉर्डर दिखाने की कोशिश करूँ तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक पत्थर आपको दिखेगा, ये रहा भाई, ये है एक्चुअली में सेंटर वाला पत्थर। ये पत्थर दोनों देशों के बीच में है, तो अपनी जो तारबंदी है वो थोड़ी सी पीछे है। दोस्तों अपने सामने इस बॉर्डर को देखते हुए जो फील हो रहा है, वो फीलिंग आप बिना इस बॉर्डर के पास आए कभी भी नहीं ले सकते हो। ये जो लाइन है यहाँ तक है हमारे देश की सीमा, और इसके उधर है दूसरे देश की यानी कि पाकिस्तान की सीमा। तो जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान में हैं, आप जो है इस लाइन के उधर रहते हैं, हम इस लाइन के इधर रहते हैं। अब भाई हमारी धरती एक ही है, बीच में तार खींच करके या कोई लाइन खींच करके जो है बॉर्डर्स बांट दी जाती है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं। जो आपस की लड़ाई है उसको खत्म करनी चाहिए, है मिल बांट के रहना चाहिए, क्योंकि भाई इंसान ना कुछ साथ लेके आया है ना कुछ साथ लेके जाएगा। लेकिन अगर आप पे कोई हमला करता है तो आपको उसका जवाब देना पड़ता है, और उस चीज में अपनी जो इंडिया की आर्मी है, हमारी जो फोर्सेस हैं, वो एकदम कैपेबल हैं। गाइस एक बार मैं आपको पाकिस्तान का जो झंडा है वो भी दिखाना चाहता हूँ अपने फोन का यूज करके। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वाली चेक पोस्ट के ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा है वो मुझे अपने फोन में और अपनी आंखों से भी दिख रहा है, लेकिन मेरे पास आपको ये दिखाने का सिर्फ एक ही माध्यम है, और वो है मेरा ये फोन। लेकिन भाई यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि इतनी तपती धूप में, इस थार के रेगिस्तान में जहाँ पर ये रेत है,
इसके बीच में हमारे जो जवान है वो हमारी रक्षा करने के लिए रहते हैं हमेशा तैनात। बहुत सारी चेक पोस्ट है वहां से वहां तक, यहाँ पर बॉर्डर है, इंडिया की साइड में फेंसिंग है, पाकिस्तान की साइड में कुछ भी नहीं है, यानी कि उन्होंने ये बाउंड्री नहीं करा रखी। मुझे नहीं पता क्यों नहीं करा रखी, लेकिन अपने इंडिया वालों ने तो पूरा गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो बॉर्डर है उसको कंप्लीट कर रखा है। अब दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के अंदर रोंगटे से खड़े हो गए हो कि हाँ यार अपनी जो इंडियन आर्मी है वो क्या करती है, किस तरीके से पूरा जो मेंटेनेंस है वो रहता है, किस तरीके से हमारी रक्षा होती है, कैसे हमारी बाउंड्रीज मेंटेन होती हैं, तो इस वीडियो के लिए गाइज लाइक का बटन जरूर दबा देना और इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना भाई बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की साइड से इसको दिखाएं गाइज, या फिर जो हमारे सब्सक्राइबर पाकिस्तान से है वो चाहते हैं कि हम उस वाली पार जाएं और उधर से दिखाएं, तो उसके लिए हमको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा, पाकिस्तान जाना पड़ेगा, उधर से दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज भी ट्राई करते हैं कभी। बिल्कुल भाई जाएंगे। और दूसरी बात, नीचे कमेंट बॉक्स भर दो इंडिया से कौन है और पाकिस्तान जी। ओके यार, राजस्थान का जो बॉर्डर है वो हमने देखा, विजिट किया फर्स्ट टाइम किसी वीडियो पे, और उन्होंने पूरा ए टू जेड जो है वो सारा वहाँ का विजिट कराया। अच्छा उन्होंने विजिट करवाया, म्यूजियम भी था और बॉर्डर लाइन के पास तक वो गए हैं, और उधर से बात उससे आगे वो नहीं जा सकते थे, उसके लिए वीजा चाहिए। बहुत सी चीजें देखने को मिली, जिस तरह के टैंक्स हो गए, ठीक है, और गोलियां जिस तरह दिखाई गई थी, जितने वेपन्स जो थे वो बहुत सी चीजें जो उन्होंने इतनी पुरानी पुरानी पड़ी हुई हैं, जो उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, वो म्यूजियम में पड़ी हैं अभी, वो बहुत चीजें देखी हम लोगों ने जो कभी देखी भी नहीं थी। लेकिन एक्सप्लोर इन्होंने अच्छा किया, मतलब अच्छा दिखाया। और मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया की तरफ से कोई बॉर्डर देखा राजस्थान के तो, आगे मेरे ख्याल से हमारा मेरे सिंध लगता है। हाँ वहाँ पे सिंध हमारी तरफ आएगा, हमारी तरफ तो अच्छा वीडियो था यार। और लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि सुनने स्टार्टिंग में कहते थे हम पाकिस्तान जा रहे हैं, मुझे लगा था शायद तो लग रहा था उन्होंने एक डाल दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आगे पाकिस्तान का होगा, लेकिन पर ऐसा कुछ वो कह रहे वीजा वूजा लगेगा फिर उसके बाद जा, क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं है। जिस तरह मेरा बहुत दिल करता है मैं जाऊँ, मैं इंडिया जाऊँ, मैं बम्बई जाऊँ, लेकिन वही बात कि मैं आसानी से नहीं जा सकती हूँ। तो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो, रिएक्शन कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।